रामपुर में 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले आज दो सियासी सूरमा रामपुर में होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज रामपुर पहुंचना है, लेकिन मौसम काफी खराब है। आपको तस्वीरें दिखाएं, बारिश काफी ज्यादा हो रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड में, जहां पर 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री को आना है, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रही है। पूरे मैदान में कुर्सियां बिछाई गई हैं, 1000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन मैदान जो है वो पूरी तरीके से बारिश होने के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया है और काफी ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को। मुख्यमंत्री का जो तय प्रस्तावित कार्यक्रम है, 2 बजे बिलासपुर जो विधानसभा है, जहाँ के विधायक और मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, वहां पर एक जनसभा को मुख्यमंत्री को संबोधित करना है। और इसके साथ ही मिलक जो सुरक्षित सीट है राजबाला, जहां से विधायक हैं, उनके यहां जनसभा को संबोधित करना है। लेकिन बारिश काफी ज्यादा प्रतिकूल है, बारिश हो रही है, मौसम काफी प्रतिकूल बना हुआ है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल तैयारियां कुछ इस तरीके से की गई हैं और तैयारियों पर जो बारिश हो रही है वो पानी फेरती दिख रही है। फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहां पर हैं, लेकिन जो रामलीला ग्राउंड है पूरी तरह से बारिश के चलते कीचड़ यहां पर हो गया है काफी ज्यादा। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें कुछ फेरबदल आखिरी वक्त पर हो सकता है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएं कि कुर्सियां जो यहां पर लगाई गई हैं, करीब 1200 से 1500 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, चूंकि कोरोना की गाइडलाइंस के साथ साथ प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, लेकिन मौसम जो सुबह से खराब है उसके चलते अब ये माना जा रहा है कि आखिरी वक्त पर कुछ फेरबदल हो सकता है बिलासपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस रामलीला ग्राउंड में। सोमवार का बाजार जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है और एक जनसभा मिलक सुरक्षित सीट पर होनी है, लेकिन मौसम काफी ज्यादा प्रतिकूल हो चला है और काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानियां भी आयोजकों को आ रही हैं। रामपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।